गुरुशरण इन सा 15 मेंबर प्रतिनिधि फिरोजपुर शहर के जिम्मेवारों और साथ संगत के सहयोग से एक मंदबुद्धि भाई सुशील पुत्र ददूराम निवासी सतना मध्य प्रदेश का इलाज करवाकर उसके परिवारजनों को मिलाया। ऐसी और पर्ची है, ये है केसरी सिंहपुर से। इन्होंने एक मंदबुद्धि जिसे लोग पागल कहते थे उसकी जाँच पड़ताल की और सेवादार अपने घर ले गए, सार संभाल की। आधार कार्ड मशीन पर इनकी फिंगर प्रिंटिंग स्कैनिंग के माध्यम से इसके घर का पता लगाया और ये महाराष्ट्र का रहने वाले था। इसे अपने बिछड़ों हुओं को मिलाया और इनकी बेटी का भी विवाह था एक दिन बाद ही। परिवार ने बहुत धन्यवाद किया। ऐसी और भी पर्ची हैं, ये है। शाबाश सेवादारों, ये खड़े हैं सामने, कमाल करते हो आप। रोड पे जो मंदबुद्धि घूमते हैं, पागल घूमते हैं, साथ संगत ने एक मुहिम चलाई हुई है, उनका इलाज करते हैं और फिर उनको उनके घरों तक पहुँचाते हैं। तो आपके साथ वो आए हुए हैं जिनको, ये है वो लड़का जी, और इधर उनको उधर जी, बहुत आशीर्वाद बेटा आप भी आप, और जिन्होंने सेवा की उनका तो कहना ही क्या, भगवान बहुत खुशियां दे। प्रसाद लेना, और हो सके तो पत्रकार समाज जरूर ऐसी खबरें छापा करें ताकि हमारे देश में जो मंदबुद्धि घूम रहे हैं, हम तो चाहते हैं पूरे वर्ल्ड में, लोग उनको उनके घर तक पहुंचाएं इलाज करवा के। हजारों को पहुंचा चुके हैं सेवादार। शाबाश सात संगत जी, हौसला अफजाई तो बनता है, कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं। लोग तो अपने पागलों को नहीं संभालते और ये बाहर से घूम रहे, उनको संभाल के उनको घरों तक पहुंचाते हैं, बहुत बड़ी बात। वेल डन, बहुत आशीर्वाद। नौजवानों, मालिक खुशियां दे, आशीर्वाद। प्रसाद ले जाना, बैठ जाइए, आशीर्वाद। ऐसी बहुत सारी पर्चे हैं जी। पुजारी बठिंडा में भी एक दिमागी परेशान व्यक्ति, 25 साल की उम्र थी, उसके परिवारजनों का पता लगा लिया। यूपी से वो इनके परिवार वाले शाम को आ रहे हैं। और जिला बठिंडा में ही एक और है, इन्होंने भी एक दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर मंदबुद्धि मिला था, उसकी सार संभाल के उसका इलाज करवाया, परिजनों को मिलवाया। और इनके बाद ब्लॉक गंगानगर में भी एक मंदबुद्धि जो 45 साल का था, उसको नहलाया धोलाया, उसका इलाज करवाया। इसके भाई सीकर के रहने वाले हैं, ये भी नामचर्चा घर में आकर उसे ले गए। ये अब तक 5 लोग मंदबुद्धियों को उनके घर पहुँचा। शाबाश बेटा, इधर भी शायद कोई बच्चा इनमें से है, ये सामने है। और शाबाश नौजवानों, शाबाश। कहते ना, जवानी वो होती है जो दूसरों का भला करे और भला करने का रास्ता दिखाए। शाबाश, ये है जवान, ये है सब लोग जो उन मंदबुद्धियों का इलाज करवाते हैं, सामने भी हैं और उनके घरों तक पहुंचाते हैं। सो प्रसाद ले जाना, भगवान आपको बहुत खुशियां दे, बहुत आशीर्वाद। और पत्रकार समाज वाले जरूर इसका ध्यान दिया करें। ऐसे ही कुछ पर्चे और हैं जी, हनुमानगढ़ से हैं। जो भी हैं वो खड़े हो जाएं, जिन्होंने मंदबुद्धि को, हाँ वो हो ही गए हैं लगभग, तो उन, हाँ और भी हैं सामने लाए हुए हैं। कमाल की मुहिम का आपने आगाज कर दिया है ब्लॉकों ने, और हमें लगता है हमारे भारत में जो मंदबुद्धि घूम रहे हैं उनका सहारा आप लोग बन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात। अदरवाइज लोगों को उनको पत्थर मारते देखा है, हमने देखा है रेडी पे वो कुछ खा रहे होते और वो पत्थर मार रहे होते, मेरी रेडी पे क्यों खाने आ गया। और एक आप नौजवान हैं, उनको अपने घर लेके जाते हो, उनका इलाज करवाते हो और उनके घर तक पहुंचाते हो, तो मालिक आपके घरों में बेहद बरकतें दे, खुशियां दे, आशीर्वाद। प्रसाद भी ले जाना, उन सेवादारों को भी देना जिन्होंने सेवा की, और पत्रकार समाज से भी मिलना जरूर, आशीर्वाद।